हाँ जी, क्या हाल है आप सबके। जैसा कि आपने देखा, हमने अभी चैन वैन साफ़ करी, बाइक की बैक पूरी साफ़ करी, क्योंकि बाइक बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी थी। जैसे कि मैं गया था वैष्णो देवी ट्रिप पे अपनी फैमिली के साथ, जिससे पहले वाली वीडियो आप लोगों ने देख ही ली होगी। अभी तक नहीं देखी होगी तो भाई इधर कहीं बटन डाल दूंगा, देख लेना, जाकर जरूर देखना, बहुत अच्छी है। तो दूसरी बात, बाइक बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी थी, वापस आया था बिल्कुल एकदम धूल में सनी हुई थी, और उससे पहले भी काफ़ी टाइम हो गया था। बाइक को वॉश किया और चैन को साफ़ किया अच्छे से, तो बाइक वॉश करी अच्छे से। और अभी दो मज़ेदार काम है, एक तो हम इसकी जो स्पीड सेंसर है वो लगाने वाले हैं, जो बाय द वे ABS के साथ काम करता है, जो मैंने पहले हटा दिया था ABS को टर्न ऑफ करने के लिए, हम वो लगाने वाले हैं ताकि इसका स्पीड और चल जाए। और दूसरी चीज़, अपनी बाइक की ग्रिप्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं, तो मैं वो भी चेंज करने वाला हूँ, नई ग्रिप्स मंगा ली है, स्पीडो सेंसर मैं ले आया था ऊपर से उतार के। चलो स्टार्ट करते हैं एकदम से। हाँ तो जी, जैसा मैंने लगाया कि रॉयल फील्ड की एक तो बच्चे भाई बहुत परेशान करते हैं गली के। हाँ तो जी, जैसा आप लोगों ने देखा होगा, मैंने लगा रखे बाइक में रॉयल फील्ड के हैंड गार्ड्स, तो पहले तो हम इन्हें हटाएंगे ज़रा, और इन्हें खोलना बहुत ज़्यादा आसान है। तो मैंने इसलिए लगाया था क्योंकि ये हैं बड़े ईजी और बहुत ज़्यादा सॉलिड है, किसी भी फिर वो फुल ताम झाम वाले हैंडल मार के। तो जैसा कि उधर का था वैसा ही अभी उधर वाला भी है, तो जरा कैमरा इधर मोड़ो, ठीक है ना, ये वाला। हाँ तो जी, लेफ्ट वाली जो ग्रिप है ये लगाना बहुत ही आसान है। अभी थोड़ा सा बाइक हिलेगी इसलिए मैं ज़रा इसको हाथ में उठा लेता हूँ, और मैंने ये गम से चिपकाया नहीं हुआ था हैंडल बार पे, तो इसलिए आसानी से बाहर आ गया। हाँ, एक और बात, ये वाली ग्रिप्स थी बहुत सॉफ्ट, बहुत अच्छी, बट जस्ट मेरी राइट वाली ख़राब हुई है, इसीलिए मैं ग्रिप चेंज कर रहा हूँ, और हमारी नई वाली ग्रिप्स हैं ये प्रो टेपर की। ये वाली ग्रिप्स मैंने पहले ही मेरी RS में यूज़ करी हैं, तो इनकी लाइफ अच्छी है और जल्दी बड़ी आसानी से आती हैं, बट अभी ये लूज़ है तो इसमें कुछ ग्लू वगैरह डाल के इसको टाइट करूँगा मैं, बट अभी के लिए इतना डाल के छोड़ रहा हूँ। और हाँ, अभी मैं सोच रहा हूँ कि हैंड गार्ड ना लगाऊँ तो ग्रिप इतनी रहेगी, मुझे तो अच्छी लग रही है, बस थोड़ा स्विचेस से दूर है, देखता हूँ हैंड गार्ड लगाऊँगा या नहीं, बट अभी के लिए ग्रिप ऐसे डाल दिए। ये वाली ग्रिप, हाँ तो जी, ये वाली ग्रिप उतारने में तो बड़ा ही आसान है, क्योंकि मैंने अंदर नहीं यूज़ डाली थी, देख सकते हो तुम। ये बेसिकली हमारी स्टॉक ग्रिप्स में अंदर डलता है ताकि इससे ग्रिप टिकी रहती है, इसमें नहीं डाला था इसलिए ग्रिप ऐसे ही हेल लो, दो पीस हो गई, ऐसे निकल के बाहर आ जाएगी। तो ये बाहर आ गई है, ये मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा काटा है ताकि मैं हैंड गार्ड फिट कर सकूँ, क्योंकि हीरो में हैंड गार्ड नहीं आते हैं, एक्सपो से मतलब हैंड गार्ड आते नहीं हैं, मतलब अब आते हैं अच्छे वाले, अब यहाँ पे कनेक्शन वाले आते हैं। जो मेरा मॉडल है उसमें वो यहाँ से निकलता था कहीं से, और वो यहाँ तक ऐसे रहता था, सिर्फ पूरा प्लास्टिक का था, वो बड़े बेकार थे, मैंने तो आगे फेंके हुए घर पे, मुझे अच्छे नहीं लगे थे। तो अभी इधर ही ग्रिप डालते हैं, इधर ही ग्रिप डालना थोड़ा सा मसलेबाजी का काम है, कोई नहीं, दिखाते हैं आपको। हाँ तो ये ग्रिप भी कुछ इतनी ही है, या तो मुझे अगले हैंडल बार का इसको बाहर को शिफ्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा, ये थोड़ा सा शॉर्ट पड़ रही है ग्रिप्स, तो हैंडल बार थोड़ा सा चॉप कर देता हूँ ना, कोई नहीं भाई, अभी के लिए हमारी ग्रिप अच्छे से घूम रही है, मुझे ये सही लग रही है, बस ये थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट है यार, इसके लिए मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हो रखा हूँ ये क्या है, क्योंकि अच्छा हाँ, मेन बात ये जो ग्रिप है ये शॉर्ट ग्रिप्स होती हैं, ये नॉर्मली डर्ट बाइक या फिर अपनी रैली बाइक में लगाते हैं, तो उनका हैंडल बार यहाँ थोड़ा सा थ्रोटल होता है, कोई थ्रोटल होता है शॉर्ट होता है, तो ये उसके अकॉर्डिंग बनी होती हैं, और हमारा हैंडल बार लंबा है इसलिए, तो ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट है, मैं देखता हूँ या तो मैं इनको काट के इसको पूरा चढ़ा दूँ और या फिर दोबारा हैंडल बार बार एंड्स फिट कर दूँ, या तो मैं इसको इतना भी रख सकता हूँ, डिपेंड करता है, चलो अभी डिसाइड करते हैं फिर बताते हैं आपको। हाँ तो जी, ग्रिप्स मैं बिना हैंडल बार के रखूँगा, अभी मैं जा रहा हूँ जरा ड्रिल का पता करने, हैंडल बार में थोड़ा छेद करूँगा मैं, और इनके जो नॉब्स होते हैं उसको उधर शिफ्ट कर देंगे थोड़ा सा, जिससे कि हमारा ये उधर हो जाएगा, ये भी उधर हो जाएगा,
और हैंडल बार पूरा वाइट वाइट फील होएगा अच्छे से। अब इसके लिए जाऊंगा, फिर उससे पहले मैं ज़रा ये ABS सेंसर लगा लेता हूँ वापस, ताकि इसका स्पीड और ऑडोमीटर चल जाए। तो ABS सेंसर इसमें कुछ इस तरह लगता है, ये वायर होती है नीचे से हमारी, यहाँ से लग के जाती है, ये हमारा सेंसर यहाँ पे ऐसे लगता है, और ये हमारी वायर यहाँ से ऐसे पीछे से निकल के यहाँ आके लगती है। अभी निकालूंगा जहाँ लगती है, हमने वो भी काफ़ी घुमा हुआ है, तो करते हैं इसको भी। One eternity later. हाँ तो जी, मैंने बेसिक क्लिप परफेक्ट कर दी थी, बट नीचे का मेरे पास एक ही बोल्ट था, इनमें से एक ही बोल्ट लग रहा है वहाँ पे नीचे, दूसरे वाले के लिए मेरे पास बोल्ट नहीं मिल रहा। मैं ऊपर अभी चेक करके नहीं आया, होगा पर मैं ऊपर वापस जाऊँगा नहीं यार, 3 फ्लोर बहुत महंगा मुश्किल से चढ़ना, तो बहुत आ रखे हैं पसीने, और मैं जा रहा हूँ मैकेनिक के पास, अपने वाले मैकेनिक के पास, क्योंकि उनके पास एक बोल्ट तो मिल ही जाएगा इजिली, मैकेनिक की शॉप है यार, इजिली बोल्ट मिल जाएगा वहाँ पर, और दूसरा इनके थोड़े से जो क्लिप के इसके एक हुक बनता है इसमें छोटा सा छेद होके, वो हुक एक करवाऊंगा एक्स्ट्रा थोड़ा सा इधर की तरफ, जिससे कि ये थोड़ा इधर आ जाएगा और थोड़ी अंदर तक इसी की घुस जाएगी, ठीक है, और इसका भी थोड़ा इधर तक करवाऊंगा ताकि ये उधर हो जाए और ग्रिप के लिए नॉर्मल जगह बन जाए, ताकि हमारा ये भी उधर हो जाए। तो चलो जरा मैकेनिक के पास चलते हैं हमारे। 2000 years later. हाँ तो भाई, हमारे मैकेनिक भैया वहाँ से वापस आ गए, और मैंने इनमें डिसाइड किया कि मैं छेद नहीं करूँगा, मैं उनको वहीं रहने दिया, मैंने थोड़ा थोड़ा ग्रिप्स को काट दिया। हाँ ये थोड़ा यहाँ से बदा दिख रहा है, बट कोई नहीं भाई, क्योंकि उससे थोड़ा सा पता है ज्योमेट्री चेंज हो जाती, ब्रेक लीवर्स आगे पीछे हो जाते हैं, अभी वो परफेक्ट पोजिशन है, मुझे उस जगह की आदत है। यहाँ ही ग्रिप थोड़ी छोटी थी तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी टेप लगा दी, और ये ग्रिप ये भी टाइट कर दी हमने अच्छे से। हाँ अगर तुम्हारी ग्रिप थोड़ी बहुत लूज जाए और तुम फैब्रिक यूज़ कर सकते हो, फैब्रिक से ना चिपके, तो मैंने इसके अंदर बड़ा अच्छा जुगाड़ किया है, जो सी मैंने टेप यहाँ पे मारी है, मैंने वैसे ही यहाँ पे अंदर थोड़ी सी मारी थी और इसको अंदर घुसा दिया पूरा, और अभी ये पूरी तरह से टाइट है इसके ऊपर, और चल भी बढ़िया रहा है। तो बाइक अभी कुछ ऐसी लग रही है, मैंने हैंडल बार्स सॉरी क्या बोलते हैं उसको नकल गार्ड्स मैंने हटा दिए, हमारी बाइक अब ऐसी दिख रही है, और सॉरी हमारी नंबर प्लेट थोड़ी सी ऐसे है, इसका ऐसे ही अच्छा लग रहा है, और बाइक कभी कुछ ऐसी दिख रही है, हल्की सी नेकेड टाइप की यार। बार एंड में काफ़ी टाइम सोचा था हटाने की, मतलब बार एंड कह लो, नकल गार्ड्स कह लो, कुछ कह लो इनको, तो अभी कुछ दिन ऐसे ही चलाते हैं। ABS का सेंसर मैंने लगाया, देखते हैं कि हमारा स्पीड वगैरह चलता है नहीं चलता है, अभी तो लाइट ऐसी है क्योंकि बाइक स्टार्ट नहीं हुई है, लेट्स सी बाद में क्या होगा। मैं अभी थोड़ी शाम को ही बाहर जाना है मेरे को रिलेटिव्स के यहाँ, तो देखते हैं कैसा चलता है। हाँ तो जी, वीडियो ऑलमोस्ट एडिट हो गई थी, और एडिट होने मैं वीडियो पोस्ट करने से पहले एक बीच में अपडेट डाल देता हूँ, आएगा आगे देख लेना आप लोग। तो जो मैंने ABS सेंसर लगाया था वो स्पीडोमीटर के लिए, क्योंकि ये सिर्फ सिंगल चैनल ABS वाली थी, बाइक थी मेरी, तो इसमें स्पीडोमीटर ABS के थ्रू ही वर्क करता है, तो जो मैंने सेंसर लगाया था वो कामयाब नहीं हुआ, मेरा स्पीडोमीटर अभी भी 0 ही शो करता है स्पीड, और ना ऑटो वर्क कर रहा है उसका। तो आई थिंक जो मैंने ABS का जो पंप रिमूव किया था, लिक्विड ऑयल पंप, वो रिमूव किया हुआ है, तो वो सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से आई थिंक हो रहा है ऐसा। तो मैं बता देता हूँ, खाली अगर वायर लगा रहे हो, पंप रिमूव कर रखा है, तो ऑटो नहीं, आपका भी नहीं चलेगा, स्पीडोमीटर काम करेगा। तो ये अपडेट थी वीडियो में, मैं क्योंकि अभी वीडियो कई दिन के बाद अपडेट कर रहा हूँ, तो मैंने ऑलरेडी यूज़ कर लिया बाइक, काफ़ी किलोमीटर चला लिया है, सिर्फ सेंसर लगाने से वर्क नहीं करता है स्पीडोमीटर, आई थिंक पूरा सर्किट कंप्लीट करने पर ही वर्क करेगा। तो इस वीडियो में यहीं तक, हमने बाइक को थोड़े चेंज करे, न्यू ग्रिप्स डाली, नकल गार्ड्स हटाए, थोड़ा सा नेक लुक दिया, क्योंकि नकल गार्ड से हल्की सी बल्की बल्की हो रही है बाइक, और अभी पसीना मेरी आँख में चला गया, इसलिए आँख खोलना बहुत मुश्किल हो रहा है, इचिंग कर रहा है बहुत ज़्यादा भाई, गर्मी बहुत गड़ गई है दिल्ली में, मैं क्या करूँ, और हमारे पास कोई वर्कशॉप तो है नहीं कि हमें इसी में बैठ के काम करने, इतनी मेहनत कर रहा हूँ यार गर्मी में, वीडियोस भी बना रहा हूँ, अभी इस पर जाकर एडिटर पोस्ट भी करूँगा, तो सपोर्ट दिखाओ यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं भी थोड़ा मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा मेहनत का अंजाम दो यार, थोड़ा फल हमें भी दो। अभी बाइक कुछ ऐसी है, और अभी हम यहाँ से आपसे विदा लेते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं आप लोगों को, तब तक बाय बाय, अपना ध्यान रखना, और राइड जो जब भी बाइक रोड पे लेके निकलो भाई, हेलमेट वगैरह पहन के, एटलीस्ट हेलमेट पहन के, और तुम कुछ ना ही पहनो, एटलीस्ट हेलमेट तो तुम पहनो। चलो बाय बाय एवरीबॉडी, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो।